हेलो दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं पानीपत की जो तोलिया मार्केट है वहाँ चलेंगे किशनपुरे की। और हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। चलो चलते हैं। और वैसे हम हो तो काफ़ी ज़्यादा लेट गए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, अंधेरा होने वाला है और इस समय दिन होता है छोटा तो अंधेरा भी हो जाता है। बच्चों को खास ज्यादा दूर नहीं है, तोलिया मार्केट तो यहाँ पास ही में है। शॉर्टकट कोई रास्ता हम लेते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे। ओ भाई निकलने दे, मुझे जल्दी पहुंचना है। अब हम किशनपुरे की तरफ चले जाएंगे इधर इधर से जल्दी पहुंचेगा। तो ब्रेकर बहुत बड़े बड़े हैं और जब आंटियो एक बात बता दो, तुम क्या हम पे मरते हो? अब भी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? ब्रेकर पे इसलिए गाड़ी धीरे करनी पड़ जाती है क्योंकि कैमरा सेमरा सारा हिल जाता है। और लोग जो राइडर वगैरह होते हैं वो अपने लगाते हैं यहाँ हेलमेट में कैमरा, वो मैंने बांध रखा है इसलिए। चलो अभी तो जल्दी पहुँच गए क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं है, अगर हम देर में आते तो यहाँ भीड़ भी बहुत तगड़ी हो जाती है। बस ये मार्केट पार करके सीधा तोलिया मार्केट ही है। ये रास्ता सन्नाटे वाला मिल गया, इसमें भी गड्ढे गुड्ढे बहुत हैं क्योंकि पब्लिक यहाँ खरीदने सामान आती है, इधर उधर निकलती रहती है तो हम ज्यादा तेज भी नहीं चला सकते। अब हाईवे वगैरह हो तो चला दे वहां तेज। यहाँ पे भैया पुलिस वालों को भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खड़े रहते हैं 100-200 एंट ही लेते हैं, इतने सामान मांग लेते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, बाद में 100-200 में राजी हो जाते हैं, बड़ा सोच समझ के यहाँ पे निकलना पड़ता है। और ये सारी दुकानें हैं यहाँ पब्लिक, मतलब जो है जींस वगैरह, लेडीज सूट, जेंट्स यही सारा मिलता है, चप्पल वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। वैसे ये कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं है, वैसे बढ़िया है। और तो कपड़े तो हम लोग लाल बत्ती से लाते हैं, जाके यहाँ से लेते नहीं क्योंकि इधर महंगे ज्यादा देते हैं। ये टेंट लगा हुआ है, ये क्या कुछ लगता है इधर आज कोई सिस्टम है, हमें देखना पड़ेगा। भैया पुलिस वाले यहाँ पे होते हैं, चालान काट देते हैं, 200-400 लेके ही मानते हैं। बस ये अपने सामने ही वाली गली है, उधर निकलना है। ये इतनी बढ़िया रोड थी, खोद डाला फालतू में। चलो अभी निकल सकते हैं। ये हमने रोड पार कर ली, ये आ गए हम तोलिया मार्केट। इसमें तो सर सन्नाटा है, दूसरी वाली गली में चलेंगे। वैसे इसमें सन्नाटा रहता नहीं है, ना जाने क्यों दुकानें बंद हैं, आज मेरे ख्याल से कोई त्योहार वगैरह है। दूसरे वाले रास्ते पे चलेंगे। ओ भाई ना जाने कौन से कुमार में रहते हैं। ब्रेकर इतने खतरनाक खतरनाक डाल रखे हैं इसमें, ना जाने कितना सन्नाटा है। वैसे सन्नाटा नहीं रहता, सारी दुकानें बंद हैं, तो कोई त्योहार वगैरह होगा और वहां पर टेंट वगैरह भी लग रहा था। दूसरी वाली गली में चलते हैं, उसमें तो होगा। और दूसरी वाली गली हमारे इस तरफ पड़ेगी,
इसमें भी सन्नाटा, पता नहीं यार सारी दुकानें बंद होने लग रही, आगे की तरफ उस तरफ जाना पड़ेगा। वैसे मार्केट तो बढ़िया है मगर पता नहीं क्या बात है, वैसे ज्यादा दूर नहीं, उस रास्ते पे चलते हैं, इधर जल्दी आ जाएगा। ओ भाई गाड़ी बंद हो गई मेरी, वैसे तो मैं अक्सर करके जो है ना पैदल ही ब्लॉग बनाता था, तो फिर मैंने सोचा अब क्यों ना अपने दोस्त की गाड़ी ले लें। कौन सी रास्ता चले, ये वाली चलते हैं, इसमें शायद कुछ ठीक ठाक लगे, ये अपने धागे वगैरह हैं, यहाँ से मतलब कोई भी धागे ले सकते हो। यहाँ मैं धीरे थोड़ी गाड़ी चलाता हूँ ताकि सारे दुकानें वगैरह अच्छे से दिख सके। ये मतलब यहाँ जो है तोलिया मार्केट कहीं जाती है, बाकी यहाँ हर तरीके का कपड़ा मिल जाता है, और तोल में भी कपड़ा मिल जाता है, थान लेने हो सारे कपड़े यहाँ मिल जाते हैं, थान और कम्बल वगैरह सारा तोल में मिल जाता है। अब मैं दुकानों के पास बात कर कैमरा घुमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा मैंने अपने सीने में बांध रखा है, कैमरा ने मोबाइल है, और कैमरा होता है उनका जैसे जो राइडर वगैरह, अरे भाई जो राइडर लोग लगाते हैं तो वो हेलमेट में लगाते हैं, जिस तरफ सर घुमाते हैं उसी तरफ कैमरा घूमता है। इधर भी एक अंदर गली जानी, चलो इसमें इसमें ये छोटी गली, इसमें नहीं जाएंगे, इस तरफ चलते हैं। मरते हो, हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। अब मार्केट में तुरने का था, चलो पानी पर स्टेशन के घर चलते हैं, ज्यादा दूर उल्टा चलना भी नहीं पड़ेगा। रास्ता है पतली, बात कर दुकान का सामान जो है ना रास्ते में देते हैं रख, इसलिए रोड जाम हो जाती है। ये क्या हो गया भाई, गाड़ी बंद हो गई, चलते चलते देखता हूँ। तेल तो यार डलवा के लाया था, आया है नया नया, आखिरी वाली रास्ता मिस्टर रोड पे निकाल लेंगे। ये वाली ले लेते हैं क्योंकि आगे से पता नहीं रास्ता मिलता नहीं, इधर से हम आ गए फिर से हाईवे के ऊपर। वैसे मैं शॉर्टकट आया हूँ, जाने वाला रास्ता तो पुल के पास से था, पुल के ऊपर से जाते हैं पर वो लंबा पड़ जाता, इसलिए मैंने शॉर्टकट ले लिया, इस तरफ से थोड़ी जल्दी पड़ेगा, नीचे नीचे हम वहीं पास पहुँचेंगे। बोलपुर ऊपर से जाते हैं तो इतना ज़्यादा घूमना पड़ जाता, सारा 50 रुपये का तेल अलग जल जाता। यहाँ पर थोड़ी रोड बनी नहीं है तो गर्द गुब्बार वाले है, गड्ढे गुड्ढे बहुत हैं, बंद हो रही है आगे से तो बनती हुई चली आई, ना जाने वहाँ क्यों रोक दिया, अब पता नहीं आगे बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ तो गाड़ी ज्यादातर चल ही नहीं सकती, कैमरे में बड़े गड्ढे ना मालूम देते हूँ, ऐसे तो गड्ढे बहुत खतरनाक हैं। चल भैया खींच दे, टाइम है कम, गाड़ी भी देने जानी है। तो अंकल जी देख के अब आई अच्छी रास्ता, यहाँ से बढ़िया चलेगी गाड़ी, ऐसी रास्ता होनी चाहिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर लोग अब भी डंडा खेलने आते हैं और मैच खेलने आते हैं।
ये इधर की ओर, ये जो इधर बना रहे हैं, ये रंग बिरंगे सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं, इधर बना रहे हैं पानीपत हरियाणा, वो उधर बोर्ड भी दिख रहा है, मैं पास चलता हूँ। ये दो पुल पड़ते हैं, दो पुल पार करने के बाद आ जाता है, इधर ट्रेन वगैरह खड़ी है क्योंकि यहाँ पे स्टेशन जो बिल्कुल पास ही में सामने है, ये इधर बना रखा है। चल के पास देखते हैं, चल के कहीं रास्ता बंद ना कर दिया हो, इधर कर लेता हूँ यार। गाड़ी सारी एक साइड में आ रही है, अंदर जाने का गेट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये गेट, ये तो यार गलत बात है, नया नया बना के मैं बाहर से दिखा देता हूँ, गेट बंद कर दिया, अभी तक बनाया था तब तो खुला हुआ था गेट। यहाँ भाइयों जो हम पहले घूमने आए थे, तो ये वाला जो इधर गेट देखो लगा रखा है, ये बना रखा है, तो ये पहले गेट खोल रखा था, फिर ना जाने क्यों क्या हुआ कि बनवा के सारा सिस्टम अच्छा, फिर जो है उसमें जो है सारी जाल लगवा दिए ताकि लोग बाग अंदर ना जा सके। चलिए मैं फिर, ये बनवाया था, ये देखो वेलकम टू पानीपत, मैं थोड़ी पास चलता हूँ, यहाँ से तो अच्छा दिख भी नहीं रहा है, गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, लॉक करने की जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि यहाँ सामने ही रहेगी। ये रहे, इधर सारे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, ये खजूर का पेड़ है, ये वाले पेड़ तो मेरे वहाँ बहुत सारे लगे हैं। इधर ये वेलकम टू पानीपत, ये बनाया तो काफी अच्छा है प्रोग्राम, यहाँ से दिख भी नहीं पा रहा, अगर ड्रॉइंग कैमरा होता उससे अच्छा दिख पाता क्योंकि वो उस तरफ जाल लगा रखा है, इधर से मैं थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। जाल लगा हुआ है ना, तो इस तरफ अंदर जाने का अगर रास्ता भी बंद कर रखा तो ढंग से दिख ही नहीं पा रहा। चलो चलते हैं यार यहाँ से, ये अपनी बाइक के पास फिर से आ चुके हैं, हम बाइक से अब कहीं और चलते हैं। अभी भाई जब मैं हफ्ते भर यहाँ पहले आया था तो यहाँ का सारा सिस्टम बढ़िया बिल्कुल नया बना था, और ना गेट लगा था ना जाल लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज चलते हैं ये दिखाते हैं चल के, मगर ना जाने क्या हुआ यहाँ पे गेट लगा दिए, और गेट वहाँ पे लगा हुआ है, गेट में भी ताला मार रखा है ताकि कोई अंदर ना जाए। और भाई अपकिल जो है, तो अपकिल जब ये जो पीछे की ओर है जिस तरफ ट्रेन खड़ी है, इस तरफ मॉडल टाउन है, ये मतलब सबसे बेस्ट एरिया है ये इधर का। तो अगली बार तब हम संडे को यहाँ आएंगे तब मेरा दोस्त भी इधर ही रहता है, तो उससे हम अपाची लेंगे, फिर मॉडल टाउन का एरिया दिखाएंगे, काफी बेहतरीन बना हुआ है। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, फिर अगली बार दोस्तों हम चलेंगे मॉडल टाउन, फिर वहाँ का और हम ज़्यादा अच्छा अच्छा सिस्टम दिखा सकेंगे, क्योंकि अपकिल हम जहाँ हम दिखाने गए थे तो वहाँ का कुछ ज़्यादा दिखाने पे क्योंकि उसमें ताला मार दिया था तो हम अंदर भी नहीं जा सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।